ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह की बात पटना डीएम ने कही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर मिलना होता तो वो खुद मिल लेते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। मैं अभी आयांश के घर पर उनके माता पिता और आयांश के साथ मौजूद हूँ। आज पटना के डीएम से मिलने गए थे आयांश के पिता आलोक सिंह, और उसके एक दिन पहले मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार लगता है वहां भी गए थे, मगर वहां से सिर्फ आश्वासन मिला। और आज डीएम के यहां से वो भी आश्वासन भी एक तरह से कहा जाए तो अब थम गया। क्या कुछ हुआ है आलोक सिंह से हम खुद जानते हैं। फिर हम लोग इंतजार करते रहे, उधर से कोई कॉल नहीं आया, हम खुद कॉल किए, वो लोग बुलाए वहाँ पे, तो हम लोग डीएम साहब से मिले। तो डीएम साहब से मिले तो वही बोले कि हमने पूछा कि सर आपको बोले थे कि मुख्यमंत्री से आपका मिलवा देंगे, मगर आज जो बोले कि नहीं, हम नहीं मिलवा पाएंगे। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ से जो अधिकारी कल आए थे उन्होंने एक तरह से झूठ आश्वासन दिया कल आप लोगों को सिर्फ वहाँ से हटवाने के लिए। जो आप लोग वहाँ एक तरह से कहा जाए कि आपने धरना दिया था, आपकी अपील थी कि आप मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, मगर कल आपको ये कहा गया कि आज आपको मिलवाया जाएगा। और आप भी गई थी मैडम साथ में? जी जी सर। तो आपको तो डीएम साहब से बात करके आपको क्या लगा? सर उन्होंने तो यही कहा कि मुख्यमंत्री जी को जो बोलना था वो बता चुके हैं, वो अपनी बयान ले चुके हैं, और आगे सेंट्रल से ही कुछ हो पाएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष के थ्रू ही कुछ हो पाएगा। आप लोग एक लेटर लिख दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपने वो एप्लीकेशन दिया है? जी जी सर। तो वो उसकी कॉपी होगी आपको? तो मतलब मुख्यमंत्री से मिलने वाली बात पर सर, उस पर उन्होंने सीधा कहा कि उनको मिलना होता तो वो मिल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह की बात पटना डीएम ने कही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर मिलना होता तो वो खुद मिल लेते। और वहीं जहां आयांश के माता पिता जो जनता दरबार लगता है मुख्यमंत्री का वहां गए थे, मगर वहां से सिर्फ आश्वासन मिला। और आज पटना के डीएम ने भी कहा जाए तो एक तरह से अब इस बात से इनकार कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब आलोक सिंह यानी आयांश के पिता और उनकी माता का भेंट हो पाएगा। मगर ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि क्या बिहार की सरकार अब हाथ खड़े कर रही है? क्या सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि वो आयांश इतनी एक मासूम बच्चा उसकी जिंदगी बचाने के लिए दो कदम आगे नहीं बढ़ सकती है? क्योंकि आयांश की जिंदगी बचाने को पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान के लोग पैसा दे रहे हैं, बिहार के लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो जब सरकार हाथ खड़े करेगी तो एक तरह से सरकार की ये नाकामयाबी है कि जहां आपकी सरकार में इस तरह की कोई बीमारी का कोई फंड नहीं है, इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो क्या अब सिर्फ केंद्र के भरोसे हम लोग बैठेंगे? यानी कि बिहार की जनता को केंद्र पर भरोसा होगा और केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ करती है, ये एक बड़ा सवाल अब उठता है। तो क्या पटना के डीएम भेजेंगे लेटर या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपील करेंगे केंद्र सरकार से कि वो आयांश को बचाने के लिए अपनी पहल करें? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल होगा कि अगर जिला प्रशासन से भेजता है तो ये एक छोटी बात है, मगर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही वो आयांश से ना मिले हो, मगर अभी भी उनके पास ये मौका है कि वो एक कदम आगे बढ़ाएं, वो सरकार प्रधानमंत्री से अपील करें, वो केंद्र सरकार से अपील करें कि आयांश को बचाने के लिए सरकार अपनी तरफ से जो मदद कर सकती है करे। क्योंकि बिहार सरकार ने एक तरह से पहले यह आश्वासन दिया था कि वो 12 लाख रुपए तक का मैक्सिमम मदद कर सकती है, मगर अभी तक उसके लिए भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। और अब केंद्र से अपील की जा रही है, तो या तो अपना पल्ला झाड़ रही है बिहार सरकार, या फिर अपनी जिम्मेदारी केंद्र को सौंप रही है। और केंद्र अब बड़ी गार्जियन के रूप में सामने आने चाहिए और आयांश की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। तो ये एक तरह से कहा जाए तो आयांश की जिंदगी बचाने के लिए लाइव नेशन 7 भी आपसे अपील करता है कि आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर अपना योगदान दें। आपको जो अकाउंट नंबर वहां दिख रहा है उस पर आयांश के लिए प्यार भेजें, उसके लिए पैसा भेजें, ताकि आयांश की जिंदगी बचाने के लिए जो 16 करोड़ रुपए की जरूरत है वो उसे लग सके। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे नहीं देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।